शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। शुंगलू कमेटी ने रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार के कई फैसलों पर सवाल उठाए हैं। कमेटी की रिपोर्ट में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बेटी को मोहल्ला क्लिनिक का सलाहकार नियुक्त करने पर सवाल उठाए गए हैं। शुंगलू कमेटी ने दिल्ली सरकार की 404 फाइलों की जांच के बाद 100 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है। सितंबर 2016 में तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग द्वारा केजरीवाल सरकार के फैसलों की समीक्षा के लिए शुंगलू समिति का गठन किया था। शुंगलू कमेटी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार निकुंज अग्रवाल को स्वास्थ्य मंत्री का ओएसडी नियुक्त करने पर सवाल उठाए हैं। कमेटी ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को घर देने पर भी सवाल खड़े किए हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार द्वारा शासकीय अधिकारियों के दुरुपयोग के मामले में अधिकारियों के तबादले, तैनाती और अपने करीबियों के तमाम पदों पर नियुक्ति करने का जिक्र किया है। शुंगलू कमेटी ने 206 राउज एवेन्यू को आम आदमी पार्टी का दफ्तर बनाने पर भी आपत्ति जताई है। कमेटी ने आप विधायक अखिलेश त्रिपाठी को टाइप 5 क्वार्टर देने पर भी सवाल उठाए हैं। कमेटी की रिपोर्ट में बिना मंजूरी के मंत्रियों के विदेश दौरे पर भी सवाल उठाए हैं। योगी सरकार ने लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट के निर्माण में हुई कथित धांधली की जांच के लिए कमेटी बनाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश आलोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है। कमेटी 45 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आधा दर्जन विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। योगी अवस्थापना और औद्योगिक विकास, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग, ऊर्जा और अतिरिक्त विभाग की आज बैठक लेंगे। आदित्यनाथ ने सरकारी डॉक्टरों पर सख्ती के संकेत दिए हैं। लखनऊ के KGMU हॉस्पिटल में नए वेंटिलेटर का लोकार्पण करने पहुंचे योगी ने डॉक्टरों को मरीज के साथ नरमी बरतने और बाहर प्रैक्टिस न करने की हिदायत दी। योगी ने कहा कि उनकी सरकार आखिरी शख्स तक पहुंचकर सबको मेडिकल सुविधा का लाभ देना चाहती है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर पर चौंकाने वाला बयान दिया है। रामनवमी के मौके पर मंगलवार को नरसिंहपुर के झोटेश्वर परमहंसी आश्रम पहुंचे दिग्विजय सिंह ने कहा कि 1992 में अयोध्या में जो विवादित ढांचा गिराया गया था, दरअसल वो मंदिर ही था। मस्जिद थी ही नहीं जी, क्योंकि इसके पूरे प्रमाण, इसके जो खंभे थे उनमें सब में वो सारे चिन्ह हैं जो कि किसी मंदिर में हुआ करते थे। तो इन्होंने जो गिराया है विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, वो मस्जिद कहाँ गिराई, मंदिर गिराया है। पटना में रामनवमी पर आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं के साथ सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी से बिहार में सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा में बीजेपी नेता गिरिराज सिंह, सुशील मोदी, प्रेम कुमार के अलावा राज्यपाल रामनाथ कोविंद भी मौजूद थे। कार्यक्रम में नीतीश को न्योता दिया गया था, लेकिन RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके मंत्री पुत्रों को नहीं बुलाया गया था। कांग्रेस पार्टी अलवर में गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी का मामला आज लोकसभा में उठाएगी। गौरतलब है कि शनिवार को राजस्थान के अलवर में गौ तस्करी के आरोप में कथित गौ रक्षकों ने 15 लोगों की जमकर पिटाई कर दी थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। मीडिया में मामला तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। विपिन यादव, कालू राम यादव और रविन्द्र यादव नाम के इन आरोपियों पर दफा 302 के तहत केस दर्ज किया गया है। विमान कंपनियों की तरफ से बैन के बावजूद आखिरकार शिवसेना के सांसद रविन्द्र गायकवाड़ फ्लाइट से दिल्ली पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक गायकवाड़ चार्टर्ड विमान से कल दिल्ली पहुंचे। गौरतलब है कि एयर इंडिया के कर्मचारी से मारपीट करने के आरोप में विमान कंपनियों ने गायकवाड़ को फ्लाइट से बैन कर दिया था। उत्तराखंड में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, ये विचार जाहिर किया है उत्तराखंड के तकनीकी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने। रावत ने रुड़की के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सैकड़ों छात्र छात्राओं की मौजूदगी में ये बात कही। अफसरों के काम से नाखुश होकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कल पुरुलिया में बैठक बीच में छोड़कर चली गईं। पुरुलिया का रविंद्र भवन में मीडिया की मौजूदगी में ममता ने अफसरों के कामकाज पर नाखुशी जाहिर की। ये पहला मौका है जब ममता ने प्रशासनिक बैठक में इस तरह से नाराजगी जताई है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर सियासत छिड़ गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी ऐसा दावा करने की कोशिश ना करे कि रामनवमी सिर्फ उसी का कार्यक्रम है। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी राजनीतिक लाभ के लिए खुद को इस धार्मिक आयोजन से जोड़ने की कोशिश कर रही है।
ममता ने कहा कि राज्य में कई धार्मिक संगठन बरसों से रामनवमी मनाते आ रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करने की मांग को लेकर इलाहाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं की दलील है कि भागवत के राष्ट्रपति बनने से देश में रामराज्य आ जाएगा। रामनवमी के मौके पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थकों ने उन्हें भगवान राम के अवतार के रूप में पेश करने की कोशिश की है। गोरखनाथ मंदिर परिसर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर जारी किया है। चुनाव आयोग ने दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी के चार उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया है। हलफनामा न देने की वजह से किशनगंज से बीजेपी प्रत्याशी मोनिका छाबड़ा का नामांकन रद्द कर दिया गया है। चुनाव अधिकारी ने नामांकन पत्र सही ढंग से न भरे होने की वजह से बीजेपी प्रत्याशी रवि नेगी और सरोज सिंह का नामांकन भी रद्द कर दिया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। पार्टियों में अलग अलग ढंग से प्रचार कर लोगों को लुभाने की होड़ लगी है। राजौरी गार्डन में कांग्रेस ने फ्लैश मॉब के जरिए प्रचार किया। ग्रुप ने कांग्रेस के लिए बने गाने पर जमकर किया डांस। दिल्ली कांग्रेस की प्रवक्ता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने फ्लैश मॉब का उद्घाटन किया। वहीं रोहिणी से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने पार्क में स्नैक्स कोल्ड ड्रिंक पर लोगों से चर्चा की। दिल्ली के कमला नगर मार्केट में कपड़ों के एक शोरूम में चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी में दिख रही ये महिलाएं चार बच्चों के साथ शोरूम में दाखिल होती हैं। एक महिला ने सेल्समैन को बात में लगाया, दूसरी महिला कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में गई और कई कपड़े अपने बैग में रखकर बच्चे को टॉयलेट कराने के बहाने से शोरूम से रफू चक्कर हो गई। दिल्ली के वजीरपुर में महिलाओं ने एक मजनू की जबरदस्त पिटाई की। महिला का आरोप है कि लड़का उसकी बेटी को 6 महीने से तंग कर रहा था। कई बार समझाने पर भी नहीं माना। आरोपी ने जबरन लड़की से बात करने की कोशिश की तो लड़की की मां और बहन ने उसे चप्पलों से खूब पीटा। पुलिस ने आरोपी धीरेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बुधवार को दिल्ली स्थित रेल भवन में आग लग गई। हालांकि आग बहुत बड़ी नहीं थी, दमकल कर्मियों ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आईपीएल के पहले मुकाबले में हैदराबाद ने बेंगलोर को 35 रन से हराया। हैदराबाद ने आरसीबी को 208 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बेंगलोर की पूरी टीम 19.4 ओवर में 172 रन पर ही ऑल आउट हो गई। हैदराबाद सनराइजर्स की जीत के हीरो रहे युवराज सिंह। आरसीबी के खिलाफ युवराज सिंह ने तूफानी पारी खेली। मैन ऑफ द मैच युवराज सिंह ने 27 गेंदों में शानदार 62 रन बनाए। बेंगलोर की तरफ से क्रिस गेल ने सबसे ज्यादा 32 रन बनाए। आईपीएल में आज पुणे का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। आज रात 8 बजे से पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को 2016 का विजडन लेंडिंग क्रिकेटर इन वर्ल्ड फॉर चुना गया है। 2016 में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शानदार बल्लेबाजी करने के लिए कोहली को विजडन लेंडिंग क्रिकेटर चुना गया। क्रिकेटरों की सैलरी को लेकर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली से मिले सीओए प्रमुख विनोद राय और सीओए सदस्य। विनोद राय ने कोहली से खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट पर भी बातचीत की। सीओए प्रमुख विनोद राय ने कोहली से हुई बातचीत को सफल बताया और कहा कि सीओए को खिलाड़ियों से बात करने के लिए किसी संस्था की जरूरत नहीं है, हम खिलाड़ियों से सीधे बात करेंगे।